आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो ईमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल में जीमेल ऐप होना चाहिए। अगर आप लोगों के मोबाइल में जीमेल ऐप नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो मेरे मोबाइल में तो जीमेल ऐप डाउनलोड है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और थोड़े से इंतज़ार के बाद आप लोगों को यहाँ पे आपके जो करंट ईमेल आईडी से आप लोगों ने साइन इन किया होगा गूगल पे, जीमेल अकाउंट पे, अब जीमेल ऐप पे अपने, वो सब उसके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ से हम लोगों को आपके करंट ईमेल आईडी के जो पिक्चर फोटो होगा उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को अपने आपके करंट ईमेल आईडी दिखाने दिखेंगे। इस यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा ऐड अनदर अकाउंट का, तो इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को, जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाएगा कि आपको गूगल के अकाउंट से साइन इन करना है, आउटलुक, याहू और बहुत सारे अदर और दूसरे ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। तो हम मुझे गूगल का अकाउंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर दूंगा। और फिर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करेगा गूगल। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा कि आप लोगों को साइन इन करना है या आपको दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप लोग नाम लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पूछेगा। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ अपना। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और थोड़े से इंतज़ार के बाद आप लोगों को यहाँ पे गूगल दिखाएगा कि आप लोगों को इन सब ऑप्शन में से एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है या अपना खुद का ईमेल आईडी बनाना है। तो यहाँ पे मैं खुद का ईमेल आईडी बनाऊँगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बार ये दिखाएगा कि ये ईमेल आईडी में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, और या तो दिखाएगा कि आप लोगों ने जो ईमेल आईडी सेलेक्ट किया वो किसी और द्वारा सेलेक्ट कर चुका गया। तो आप लोग यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी पे वैसे ही चेंजेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस कुछ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे चेंजेस हुआ है, देखिए फिर से ये दिखाएगा द यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर। फिर आप लोग कुछ और अपना ईमेल आईडी चेक कर सकते डाल सकते हैं, कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे दबाएंगे, फिर हो गया दिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप लोग अपना फ़ोन नंबर डालना हो तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे अकाउंट का आपको यहाँ पे क्लिक करने, अकाउंट के कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइवेसी टर्म्स है गूगल के, उसको एग्री कर देना है। फिर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करेगा फिर से। फिर यहाँ पे दिखाएगा कि आप लोगों का ईमेल आईडी बन चुका है। फिर थोड़ा देर के बाद यहाँ पे दिखेगा आपका वो जो आपने करेंट ईमेल आईडी बनाया है वो दिखाएगा। थोड़ा सा रिफ़्रेश होने दीजिए इसको। फिर जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को आपका नया ईमेल आईडी दिखाएगा, इस पर क्लिक करना है। और फिर आप लोगों को यहाँ पे आपके आप इस ईमेल आईडी को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब।